आइए एक छोटा सा कटपीस है कौन था चंदा चुप जाने लगा तारे शरमाने लगे गोरी का मुखड़ा पे अब ये बहुत सी बात है गीत में तो मैं कहूंगा अब बात केवल इतनी है जिस समय की बात है कि हर शख्स से मिलाना मिलाना अच्छा नहीं क्यों कह दिया है कि दिल में हर जख्म के सिलाना भी वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ मैं केवल इतनी बात दिखा रहा हूं कि जिस समय अश्वत्थामा ने स्वयं ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो आज भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में देखिए होता क्या क्या जब छोड़ा कि ज्वाला पर जलाने लगी कंठ को सुखाने लगी कृष्ण को बुलाने लगी क्यों कि ज्वाला जलाने लगी कंठ को सुखाने लगी कृष्ण को बुलाने लगी अब सभी जानते हैं क्या कि कृष्ण को बुलाने लगी पीड़ा बताने लगी कंठ को सुखाने लगी अरे शुद्ध बुद्ध भुला के भी ब्रह्मो जी बुझे क्यों शुद्ध बुद्ध भुलाने एक गर्भ के अंदर तीन देवात्मा यानी एक ही अब देखिए तीन चीजें एक ही तन के अंदर विराजमान हाँ क्यों ब्रह्मो जीवो आत्मा क्यों जीवात्मा की रक्षा करने आए गर्भ परमात्मा एक ही दिन में ब्रह्म जीव जीवात्मा और जीवात्मा की रक्षा करने आए गर्भ पर मात्मा जीवात्मा की रक्षा करने आए गर्भ पर Oh,
चमकदार कर दिया। अरे कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा। तो पत्थर समझ रहा है मेरा चाहने वाला, मैं बोम हूं सुने मुझे छू कर नहीं देखा। कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। लेकिन अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। तो लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब सिपिया तेरे नाम की, सोचते हैं कि कब खत्म हो। आप दिखा रहे हैं जीवात्मा की रक्षा करने आए गर्भ में परमात्मा, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है, और तीसरा क्या था? सुनिएगा, सुनिए राजू जी, आपने प्रयास तो जहां तक ठीक करने का सोचा, लेकिन जिस समय अश्वत्थामा ने, भैया जी, अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, कहा मित्र, मित्र कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मेरे सारे भाई मारे गए, मुझे कष्ट इस बात का है कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम एक की बात कर रहे हो, मैं पांचों को मार करके लाता हूँ। कहा उल्लंघन न्याय से अश्वत्थामा गया, यानी एक पेड़ पे रात्रि में कौवे बैठे और उल्लू ने आकर झपट्टा मार दिया। गांव उल्लंघन न्याय,
भगवान कन्हैया समझ गए कि आज क्या होने वाला है। पांडवों से कहा कि आज विजय श्री की रात्रि है, चलो कहीं जश्न मनाते हैं। पांडवों के शिविर से ले गए पांडवों को और उनकी सैया पर पांडव पुत्र लेटे हुए थे। ये पांडव पुत्र होगा हो पांडव जैसे ही लगते थे। अश्वत्थामा सारे पांचों पांडव पुत्र के शीश काट करके ले आया। दुर्योधन से कहा मित्र मित्र देखो मैं पांचों को मार के लाया हूँ। देखो पांचों को मार के देखा। पहले तो थोड़ा प्रसन्न हुआ, फिर कहने लगे अरे मित्र अरे मित्र क्या कर दिया तूने, तो मुझे पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। लेकिन ये बात जब द्रौपदी को पता लगी, बिलखने लगी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि जिसने भी मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए, पकड़ के लाए। तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु स्वामी इन्हें छोड़ दो। इन्हें छोड़ दो, ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं। हाँ ये गुरु पुत्र हैं। राजू भैया तब अपमानित करके जब उसको छोड़ा गया तो उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जो गर्भ में उतरा के कोई और नहीं स्वयं राजा परीक्षित पल रहे थे। अब जरा जवाब सुनिएगा। सुनिए अरे लीला रचाने लगे माया दिखाने लगे देखो वो गिरधारी। कैसे भैया जी? ईश्वर अंशज, ईश्वर अंशज है ये आत्मा, ईश्वर अंशज है ये आत्मा, ईश्वर अंशज है ये आत्मा, आत्मा ही परमात्मा। ईश्वर अंशज है ये आत्मा, आत्मा ही परमात्मा। ईश्वर